क्या मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि चुनाव जो है वो मुद्दों से भटक रहा है, अब धर्म भी एक मुद्दा आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में किन मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों को उतरना चाहिए? मतलब राजनीति में न धर्म को देख के देना चाहिए न जाति को देख के देना चाहिए। जो अभी वर्तमान जो कल्चर बना दिया गया है, हमारे लिए जो कुछ अच्छा करेगा हम उसको वोट देंगे, पार्टी देख के वोट देना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि 45 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में, थोड़ा बेरोजगारी बढ़ी हुई है, युवा फोर्स को वर्क फोर्स में कन्वर्ट। हमारे राजनांदगांव में हेल्थ सेक्टर इतनी बुरी स्थिति है, अगर आप धोखे से सरकारी हॉस्पिटल ले जाओगे ना, राजनांदगांव में मुझे नहीं समझ आता क्या मुद्दा है। यहाँ के जो पिछले सांसद थे वो युवाओं के बीच प्रकट नहीं हुए कभी भी, 5 साल में कभी आए नहीं, मुँह नहीं दिखाया। भूपेश बघेल अपने 5 साल में राजनांदगांव में मुँह नहीं दिखाए हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टैन देखना शुरू कर चुके हैं आप। लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, कुछ समय और कुछ दिन और चुनाव आने वाला है। देश की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा और दूसरे चरण का चुनाव राजनांदगांव में भी होगा। और हम मौजूद हैं राजनांदगांव में, और राजनांदगांव में डिजिटल लाइब्रेरी के पास है। कुछ युवाओं से आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट देते हैं। और राजनांदगांव में डिजिटल लाइब्रेरी के पास है कुछ युवा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर दिया है। और बीजेपी ने घोषणा पत्र का जो टैगलाइन है वो मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी के लिए युवाओं के लिए क्या है, और जिसे संकल्प पत्र कहा जा रहा है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहा जा रहा है। कांग्रेस ये बार बार ये बात कह रही है कि ये न्याय पत्र है, युवाओं को न्याय मिलेगा। कितना न्याय मिलेगा, क्या कांग्रेस के न्याय पत्र पर युवाओं को यकीन है, या मोदी की गारंटी पर युवाओं को यकीन है? सब बातचीत करने की कोशिश करेंगे, युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा, क्या चीज़ की तैयारी कर रही है? पीएससी की तैयारी कर रही है जी। क्या लगता है माहौल, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव? माहौल ऐसा है कि 50-50 है राजनांदगांव में। राजनांदगांव में, देश में तो मोदी लहर चल रही है। मोदी लहर चल रही जी जी जी। क्या मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि चुनाव जो है वो मुद्दों से भटक रहा है, अब धर्म भी एक मुद्दा आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में किन मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों को उतरना चाहिए? चुनाव में एक ही मुद्दा है, युवाओं का वर्कफोर्स बढ़ते जा रहे हैं, युवाओं को बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो युवा को रोजगार मिले वही सही है। युवाओं को रोजगार मिले। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार मिला है? सेंट्रल लेवल पे आई थी जॉब, बहुत सी जॉब आई है, थोड़ी सी कमी है, उसको अच्छे से करना चाहिए इस बार, यही उम्मीद है बीजेपी से, युवाओं पे ध्यान देना चाहिए। तो सरकार के 10 साल के कार्यकाल में आपको कौन सा काम ज़्यादा पसंद आया है? सरकार के कार्यकाल में कानूनी व्यवस्था थोड़ी ठीक हुई है पहले से, हाँ, धर्म जागृत हुआ है, पहले हिंदू उतना नहीं था, अभी हिंदू थोड़ा एक्टिव हुआ है, और बाकी ठीक कर रहे हैं काम। पहले हिंदू एक्टिव नहीं थे, पहले उतने अच्छे से नहीं थे, अभी थोड़ा अब हिंदू एकता संगठन बना है, अच्छा। युवा जागृत हुए उस चीज में बस, और पर युवाओं पे बेरोजगारी बहुत बड़ी है, उसको कम करना चाहिए। बेरोजगारी बड़ी है, उसको कम करना चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? विवेक सिंह जी। जी क्या लगता है सीजीपीएससी में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? जी बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, जैसा कि हम लोग सभी देख रहे हैं भर्ती में कैसी अनियमितताएँ हुई हैं। ऐसा सीधा दोषारोपण करना तो सही नहीं है, लेकिन हम लोग को जैसा दिख रहा है सोशल मीडिया के रूप से, प्रत्यक्ष तौर से दिख रहा है कि कैसा कैसा गलती हुई है। एक तो क्वेश्चन में गलतियां होती हैं, जहां क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं, तो उससे कुछ स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला गलती तो ये है। दूसरा स्टेज अपना जो भी हर सरकार में होता है, तो वही है ना, जो भी सरकार हो या आए, हमारा हम तो स्टूडेंट हैं, हमारा मुद्दा यही है कि जो भी परीक्षा हो वो पूरा साफ सुथरे तरीके से हो, तो मेंस भी अच्छे तरीके से हो, और जो हमारा इंटरव्यू भी है वो भी एकदम पारदर्शी से हो। बस यही मांग है हमारी, कोई भी सरकार हो, बस हमारा जो रोज़गार का मुद्दा है, नियमित भर्तियां होते रहें। अब भर्ती होती है तो ये है कि रिज़ल्ट नहीं आता है, है ना, रिज़ल्ट नहीं आता, हाई कोर्ट में लटके रहता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर भी आ जाता है, तो फिर सरकार नियुक्ति नहीं देती है। अभी आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आप एसआई की भी तैयारी? जी जी, एसआई क्या हुआ रिजल्ट का? एसआई का अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, अभी ऑर्डर नहीं दिया है, अब जो भी ऑर्डर आता है उसके बेस पे
सरकार क्या करती है। हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जैसे ही ऑर्डर सीट आए जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दिया जाए। अच्छा, आप नियुक्ति वाले पक्ष? जी बिल्कुल। और राजनांदगांव में क्या लग रहा है, भूपेश बघेल और संतोष पांडे जी हैं? अभी तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि किसके तरफ माहौल है, दोनों ही ठीक है अपने अपने स्तर पर। अब देखिए आगे आगे जो भी घोषणाएं होती हैं, जो भी, हमारा तो मेन मुद्दा यही रहेगा कि हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए जो कुछ अच्छा करेगा हम उसके उसको वोट देंगे। पार्टी देख के वोट देना उचित नहीं है, जो भी स्थानीय मुद्दा है उसको वोट देख कर वोट देना ज़्यादा उचित। आपको किसका घोषणा पत्र ज़्यादा बेहतर लग रहा है युवाओं के लिए, क्या सबसे ज़्यादा किसके लिए है, कांग्रेस या बीजेपी? अभी घोषणा पत्र पे तो बात नहीं कर पाऊंगा, घोषणा पत्र मैंने पढ़ा नहीं है, तो फिर ऐसा बिना पढ़े या बिना देखे बात करना उचित नहीं है। उचित नहीं है। और बता दें कि 30 लाख रोजगार के बारे में घोषणा किया गया है, रिक्त पद है उस पर भरेंगे। हाँ, अच्छी बात है, वो घोषणा किए हैं तो अच्छी बात है, पर वो घोषणा पे अमल भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये घोषणा पत्र कहना आसान है और उसको जमीनी। मेरा नाम तेज कुमार साहू है। तेज कुमार साहू है। क्या मुद्दा होना चाहिए युवाओं का? जी मैं समझता हूँ कि आजकल के डेट में सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबके पास बेसिक शिक्षा होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए। तो आदमी को मतलब ऊपर उठने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर तीनों चीज़ उसको अच्छे से दे दिया जाए। अब हमारे देश मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, खास तौर पे राजनांदगांव की। हमारे राजनांदगांव में हेल्थ सेक्टर इतनी बुरी स्थिति है, अगर आप धोखे से सरकारी हॉस्पिटल ले जाओगे ना, मतलब वो मौत का कब्रगाह जैसे हो गया है। वहाँ रिफर सेंटर है, वो कहीं भी गए छोटे सी भी मामूली चोट हुआ ना तो आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर रहेगा, कंपाउंडर लोग आपका ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा टाइप का स्थिति है। हेल्थ सेक्टर मतलब बहुत बुरी स्थिति है, जो गरीब आदमी है उसको जीना मुश्किल हो चुका है। रायपुर भिलाई मतलब गरीब आदमी करे तो करे क्या, उसका छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, छोटा सा भी प्रॉब्लम है वो प्राइवेट हॉस्पिटल तो जा नहीं सकता। कहना का आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख बोलते हैं, लेकिन सर सब लोग जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे लूटा जाता है। 5 लाख बोल के पहले आपके जेब से भी पैसा ले लेंगे और उससे भी ले लेंगे, मतलब गरीब आदमी की ये स्थिति रहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा तो मर जाएगा, वो कई केसेस आया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी लूटने की कोशिश में रहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल भी गरीबों को ऐसे तरीके से लूटा जाता है जब तक वो बर्बाद नहीं। आयुष्मान भारत में तो मुफ्त इलाज की सुविधा है, आयुष्मान भारत में 5 लाख मुफ्त इलाज और बढ़ा दिया गया, घोषणा पत्र बढ़ाने के लिए किया गया है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं। एक बार हॉस्पिटल जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल आपको कैसे लूटा जाता है पता चल जाएगा। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तेज कुमार साहू है और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो अभी जो राजनीति का जो माहौल है उसमें लोगों को मतलब राजनीति में ना धर्म को देख के देना चाहिए ना जाति को देख के देना चाहिए। जो अभी वर्तमान जो कल्चर बना दिया गया है, धर्म और जाति ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है लोकतंत्र में, जो कि सही नहीं है, पूरा गर्त में ले जा सकते हैं देश को। अगर सही प्रत्याशी का हम चयन करें तो ऑटोमेटिक देश की जो उद्धार है अच्छे से हो जाएगा और जनता का जो कल्याण है वो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ तो लोगों के पास ये है कि जाति धर्म के नाम पे वोट दे दिया जाता है और उसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहाँ तो अभी कांग्रेस की सरकार आया था कि पूरा छत्तीसगढ़ में बोले थे कि यहाँ शराबबंदी करेंगे, ऐसा करके 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, पूरा 5 साल निकल गया, शराबबंदी का नामो निशान नहीं है और शराब दुकान की जनसंख्या बढ़ गए। उसके बाद बीजेपी हमलावर रही कि शराबबंदी बोले और आप शराबबंदी नहीं किए। बीजेपी की सरकार आए उसकी भी वास्तविकता दिख गए, सब बेईमान है, ये लोगों को कल्याण नहीं चाहता। अगर सही तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों को कल्याण चाहते तो ये शराबबंदी, नशाखोरी, जो युवाओं की गर्त है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ अव्वल है शराबबंदी, उसमें खासकर राजनांदगांव जिला, ये मतलब शर्म की बात है। राजनांदगांव को संस्कारधानी बोला जाता है और दारू बेचने में, दारू पीने में यहाँ युवाओं की जो स्थिति है इतनी बदतर हो चुका है, छोटे छोटे 13 साल 14 साल के बच्चे, पूरे समाज खराब हो चुका है यहाँ पे। समाज की तो ऐसी स्थिति है, आप गांव में हो चाहे शहर में हो, एक जो नॉर्मल आदमी हो उसको जीना मुश्किल हो चुका है। शराबबंदी है, गांजा आए दिन केस आते रहता है। अब लॉ का स्टूडेंट हो तो इसमें ज़्यादा फोकस रहता है, मतलब आदमी को अगर शराब मुक्त कर दे, युवाओं को अगर शराब से दूर कर दें तो उसका जीवन कितना बेहतर हो सकता है और समाज कितना अच्छा हो सकता है, ये बहुत बड़ी मुद्दा रहता है। और वो आदमी शराब पीता है उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो रहा है, समाज में महिलाओं के प्रति इतना हिंसा बढ़ जाता है जब वो जब किसी मतलब समाज के व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, मतलब अपने परिवार के ही कोई व्यक्ति अगर एक भी अगर शराबी हो जाता है तो उस परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है, उसमें पूरे समाज
समाज की पूरा बर्बादी तो रहता है, बच्चों के भविष्य भी बर्बाद हो जाता है, और इससे समाज को मतलब जो देश को चाहिए जो युवा ही, क्योंकि भविष्य है देश का, अगर युवा ही गर्त में जा रहा है तो ये देश सही तरीके से चल ही नहीं सकता और ये देश ना बर्बाद हो जाएगा एक दिन। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, अच्छे से रहना है, समाज को नारी सम्मान की बात करते हैं, मोदी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन नारी सम्मान तो इन लोग के जहन में दिखता ही नहीं है ना, कई केस देखे हैं। अगर नारी सम्मान अगर वास्तविक में चाहते हैं इन लोग तो शराबबंदी करके दिखाएं इसमें औकात हो तो, वरना ये नारी सम्मान की बात नहीं। 1,000 रुपये दे देने से उसका नारी सम्मान नहीं होता, अगर उसको सम्मान मिलता है सही तरीके से, वही व्यक्ति दारू पी के जाते हैं अपने बीवी बच्चों को कस के पीटा। तो यही होता है ना कि भैया महतारी बंधन जारी किए और चुनाव जीतो, वैसी उसका परिणाम देख के कांग्रेस जो है वो 1,00,000 देने का वादा करी है। जो तत्काल जो राशि दिया जाता है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए भी घाटे रहता है। तो देखने को मिल गया, जैसे ही महतारी बंधन योजना का पैसा महिलाओं को मिला, शराब के रेट बढ़ गए। ये महतारी बंधन योजना 1,000 रुपये देने से कोई आर्थिक स्थिति नहीं सुधरता, सबसे पहली बात तो ये जनता को जान लेना चाहिए। 1,000 रुपये कोई तत्कालिक रूप से दे देने से उसका आर्थिक स्थिति नहीं सुधरता, ये तो वास्तविकता है। अगर उसको आर्थिक स्थिति सुधारना है तो अच्छी रोजगार दो, शिक्षा को ऐसे बनाओ, रिसर्च लेवल पर डालो। यहाँ पर लोग फॉरेन जाके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अरे भाई हमारे देश में रिसर्च को बढ़ावा दो, स्टार्टअप जनरेट होगा, उससे रोजगार जनरेट होगा, युवाओं के फ्यूचर अच्छी जगह जाएगा। यहाँ तो कॉलेज की स्थिति ऐसा ही स्थिति है, 5 साल में एक बार प्रोफेसर की भर्ती निकालते हैं, उसमें 3 साल प्रोसेस लगता है, तो कहाँ से एजुकेशन अच्छा होगा, पूरा गेस्ट लेक्चरर के चल रहे हैं। इस कॉलेज की स्थिति ये है ना, वहाँ रिसर्च डेवलप हो पा रहा है ना, बच्चों को सही एजुकेशन, तो कहाँ से अच्छे अधिकारी बन पाएंगे ना अच्छे टीचर बन पाएंगे। इन लोग का तो जीवन ऐसा हो गया है आजकल छत्तीसगढ़ की स्थिति में, युवाओं का 30 से 32 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्या जीवन है ये, ये तो नरक जैसा हो गया ना। एक उसके माँ बाप के लिए भी दिक्कत हो जाता है, और बच्चों 32 साल में शादी करेंगे, उसके जीवन आजकल जो औसत जीवन स्तर है प्रदेश भर में वो 67 है, 66 से ये मतलब 66 में 32 ईयर अपने पढ़ाई में। युवाओं में जो है वो आत्महत्या के मामले बढ़ भी रहे हैं, युवाओं में तो वो तो है, मतलब समाज में जो इसे बहुत दिक्कत होता है, जो 32 साल लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको एक सरकारी नौकरी कल्चर डेवलप हो गए हैं हमारे देश में। आप क्या चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए सिस्टम? मैं एजुकेशन लेवल को ना अच्छे हायर एजुकेशन लेवल में डालें। हायर एजुकेशन का मतलब एक उच्च शिक्षा अच्छे कब होता है, जब उसमें रिसर्च होना चाहिए। यहाँ हमारे देश में रिसर्च जो होता है 0.36% लगभग जाता है रिसर्च, लेकिन पूरे जीडीपी का 6% होना चाहिए शिक्षा में खर्च, ये नियम है, नई शिक्षा नीति में डाले हैं कि जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च करें, लेकिन अभी भी 2 से 3% से बढ़ता ही नहीं, 3% भी नहीं जाता। तो जो एजुकेशन है उसको अच्छे से बढ़ा दो, नौकरी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, सरकारी नौकरी ही कोई जरूरी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है अपने करियर को ख़राब करना, अपने जीवन को ख़राब करना सरकारी नौकरी के पीछे, और भी जीवन है इसके आगे पीछे। हमारे जो समाज है छत्तीसगढ़ में देखता हूँ, जो निम्न वर्गीय सोच है वो सरकारी नौकरी के पीछे है, लेकिन जो उच्च वर्गीय समाज है हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं, वो लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतने पागलपंथी नहीं रहते जितना हमारे जो निम्न वर्गीय लोग हैं। हम भाई भविष्य के वकील है, काफ़ी अच्छा प्रवक्ता है, और अपनी बात जो है बहुत दिल से कहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक आखिरी सवाल है कि आप नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या विकास हुआ है, क्या देश प्रगति पे है, या फिर देश जो है वो और नीचे गिर गया? नो डाउट माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, जो इकोनॉमिक सेक्टर में था वो 2014 में 10th लेवल में था पूरा विश्व में, लेकिन आज के डेट में भी 5th लेवल में है, और जल्द ही हम लोग 4th लेवल में पहुंचने वाले हैं, ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे अपन। तो इकोनॉमिक सेक्टर भी अच्छा ग्रोथ हुआ, और स्टार्टअप में 2016 से जब चालू हुआ, 2016 से स्टार्टअप चालू हुआ, स्टार्टअप में भी काफ़ी मतलब तीव्र गति से तेज़ी देखने मिला, और पूरे विश्व में स्टार्टअप में हम लोग 3रे नंबर पे आ गए। तो मतलब ये जो मोदी है जो कल्चर को थोड़ा चेंज करने के वो स्टार्ट किया कि गवर्नमेंट नौकरी ही जॉब नहीं है, मतलब जॉब क्रिएटर बनो, तो ये चीज़ें बहुत प्रभाव डाला युवाओं में। मुद्रा योजना काफ़ी सफल रहा और बढ़ा दी है, हाँ 20 लाख करने की अच्छी पहल है ये, और अच्छा था, लेकिन इसके पीछे और युवाओं के लिए और एजुकेशन में और काम करने की ज़रूरत है, जो पूरे आदिवासी एरिया है, पिछड़ा ग्रामीण एरिया है, उस तक भी पहुंच हो, स्वास्थ्य की अच्छी जो सड़क हो। हमारे कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि 45 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है,
देखो भाई, अब जनसंख्या तो बढ़ रहा है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है, तो वास्तविकता है। अब जनसंख्या नियंत्रण पे भी कानून बनाना चाहिए। इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं होता, लोगों की सोच भी जिम्मेदार होता है बेरोजगारी के लिए। अगर लोगों की सोच अच्छी हो जाए तो बेरोजगारी काफ़ी दूर हो सकता है। मतलब एक कल्चर डेवलप होना चाहिए कि स्टार्टअप को भी उसके महत्व देना चाहिए समाज को, कि स्टार्टअप कोई कर रहा है तो उसको भी महत्व देना चाहिए, ना कि सरकारी नौकरी को ही एकदम से महत्व देना चाहिए। तो क्या है, धीरे धीरे ये जनरेट हो रहा है समाज में, थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो इसे चेंज काफ़ी आएगा। जी जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहित शर्मा। ये आपके साथी है जी। तो इनकी बात से आप कितने सहमत है कि भाई? इनकी बातें काफ़ी हद तक सही हैं। मेरा सरकार से इस बार यही कहना है, जिसकी भी सरकार बने, देश में इतने युवा हैं तो युवा फोर्स को वर्क फोर्स में कन्वर्ट करे और जितने उद्योग स्थापित कर सकते करे, ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो। देश में थोड़ा बेरोजगारी बढ़ी हुई है, युवा फोर्स को वर्क फोर्स में कन्वर्ट करें। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी मैं CGPSC की तैयारी कर रहा हूँ। CGPSC की तैयारी करते हैं तो जैसे पिछले कार्यकाल में भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो कथित घोटाला कह रहे हैं, तो उस वैसा टाइप का घोटाला अगर देश में और होता है तो एक कठोर कानून बनाने का प्रावधान है, तो क्या सोचते हैं? जरूर कानून बनाना चाहिए, इसमें देखना चाहिए। देश में युवा इतनी मेहनत करता है, मेहनत से आगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि फास्ट टैग में चलेगा ये मामला। अच्छा, ना करना चाहिए, इस पर ज़रूर कोई कानून ज़रूर बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है आपको देश का चुनाव का? देश का चुनाव का माहौल तो जैसा है वैसा ही, हर साल जैसा रहता है वैसा ही है। इसमें अब चुनाव में क्या है, वोट तो डालना ही है, और व्यक्ति एक जो व्यक्ति खड़ा है प्रत्याशी, उसका मूल्यांकन करके वोट डाले तो अच्छा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल्यांकन कैसे करते हैं? वो राष्ट्रीय लेवल का लीडर है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। मैं उनका क्या मूल्यांकन करूंगा, मैं अपने आप को उस स्तर का योग्य नहीं पाता। प्रधानमंत्री का मूल्यांकन, कार्यकाल का मूल्यांकन कुछ तो करते होंगे, कैसे काम किए हैं? काम तो अच्छा ही किए हैं मेरे दृष्टिकोण में। मुद्दा है शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो, अच्छी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, है ना। और दूसरी प्रकार से ये है कि अपना सबसे पहली बात तो अपना जो आर्थिक विकास का जो मापदंड है अपना घर का, कि आय का साधन अच्छा हो, घर कैसा चलता है आय का साधन अच्छा होने पर, कि एक बेरोजगार आदमी को रोज़गार मिले, कमाऊ हो, है ना। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि सबके पास नौकरी हो, जो ऐसा नहीं कि सबको नौकरी मिले। गांधी एक लाख, माफ़ कीजिएगा, 30 लाख नौकरी देने का वादा किए हैं। 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है, वो उनकी मैनिफेस्टो है भाई, है। और कितना मिल पाता है वो तो वक्त ही बताएगा। और चुनाव जीतने के लिए कोई कुछ भी मतलब घोषणा कर देता है, एनीबॉडी, ऐसा है ना, वो वक्त बताता है व्यक्ति का, है कि नहीं। मेरे को आपका झुकाव समझ नहीं आ रहा है कांग्रेस की BJP। अरे भाई, उसमें कांग्रेस और BJP का को झुकाव वाली बात ही नहीं है। मैं खुद अध्ययनशील व्यक्ति हूँ, मैं PSC का, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि घर, परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र, और विधानसभा, लोकसभा, और अपना है ना छोटे ही। सीधी बात, प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल आपको पसंद आया कि नरेंद्र मोदी के 10 साल का कार्यकाल पसंद? अरे उनको बात छोड़ो ना, उसको बात छोड़ो ना, मनमोहन सिंह का निकल गया, अपने वर्तमान को देखो। ऐसा नहीं कि कार्यकाल 10, अरे मेरा एक उदाहरण है कि सीधी बात नो बकवास। सीधी बात, वही तो पूछ रहा हूँ, सीधी बात नो बकवास, किसका 10 साल बेहतर? अरे हम किसी का कैलकुलेशन नहीं करना है, अपना वर्तमान देखना है। अभी देखो, आप 10 साल पहले आपकी जिंदगी में आप फटे कपड़ा पहनते थे, फटे पैंट था, फटा शर्ट था, 50 साल पहले बिना कपड़े के ये करोगे क्या? अरे उसको सुधार किया जाता है भाई, कोई भी चीज़ का है, कोई भी चीज़ का सुधार किया जाता है। जी, मैं अपने आप में सुधार कर रहा हूँ ना,
वैसे भी नेता को अपने आप में सुधार करना चाहिए, और जो नहीं सुधार करेगा वो क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। दूसरी बात, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अंधभक्त की परिभाषा बताइए। अंधभक्त वही है जी जो अपने अंधा है उसको लाठी धर के से चला रहे हैं, है उसको चाहे तुम भेड़ को, चाहे तुम एक भेड़ को गिरा दो गड्ढे में, 100 भेड़ उसी में कुत्ता रहता है। अच्छा, तो ऐसे थोड़ी है भैया, आप लोग हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग होने के नाते अपना अपना एक विचारधारा होता है, किसी भी पक्ष के बारे में उल्टा सीधा ना बोला जाए। बेचारे सभी लोग प्रत्याशी हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है। राजनांदगांव की बात करते हैं, संतोष पांडे भूपेश बघेल। अच्छा, संतोष पांडे भूपेश बघेल, तो वो तो वक्त बताएगा भाई, प्रत्याशी दोनों हैं। अब जिसको नंबर मिलेगा कौन बेहतर, कौन बेहतर, किसी को बेहतर और किसी को नीचा कहने का मकसद मेरा नहीं होना है। मेरा मकसद है वोट डालना। क्या मुद्दा रहेगा? और मुद्दा जो भी है, मुद्दा तो उन लोग बनाए हैं ना, मुद्दा क्या मुद्दा बनाए क्या? और क्या मुद्दा है वो आप भी जानते हो, मेरे को क्या बोलोगे जी? अच्छा, वही तो मेरा मेरा मकसद है वोट डालना। हाँ। और उनका तो मकसद के वोट डालोगे, वही तो पूछ रहा हूं। क्या उसमें क्या सोचना है यार, उस सोचने वाली बात को बताना ही नहीं। मैं वोट डालूंगा, देखो देखो पर्दा के पीछे जो चीज हो रहा है उस चीज को मंच में प्रदर्शित किया जाता है, और पर्दे के पीछे जो चीज़ है उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो मंच पे आने के बाद ही वो खुद पता चल जाएगा, आपको रिजल्ट खुद पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब जिसके और उस दिन भी आप लोग और आएंगे, अब चुनाव के पहले अभी आए हो, चुनाव के बाद भी आएंगे, तो मैं क्यों बताऊं भैया पर्दे के पीछे का हाल को। जीतू वर्मा। जीतू वर्मा, तो जीतू भाई अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं व्यापम की तैयारी कर रहा हूं। आ जाओ ना भाई, ऐसे आ जाओ, सब पास आ जाओ, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं जी। व्यापम की तैयारी कर रहे हैं क्या? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब रहेंगे, सरकारी नियुक्ति रहेगी, उसमें फॉर्म जो है निःशुल्क रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? जी, निःशुल्क करना चाहिए एक हद तक तो छत्तीसगढ़ में पहले था, छत्तीसगढ़ में पूरा है, अभी भी है, छत्तीसगढ़ में निःशुल्क है फॉर्म। देश लेवल में भी ऐसा देखे जाए तो सही है कि निःशुल्क करना चाहिए, एकदम ज़्यादा फीस रहता है, कई बार अपन फीस के कारण सिलेंडर नहीं डाल सकते हैं। बैंक का भी है, SSC तो अच्छा है, ठीक है कि 100 रुपये है, वैसे कुछ नियमित कुछ न्यूनतम शुल्क के साथ कर देना चाहिए, 100 रुपया 200 रुपया। अभी देखा जाता है पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा आता है, तो पेपर लीक के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये है कि भाई पेपर लीक के लिए कठोर कानून बनाया जाए। जी जी, सही है, क्योंकि ना पेपर लीक का समस्या इतना ज़्यादा गंभीर है कि इसको सही में मुद्दा बनाना चाहिए और इसको सुधार होना चाहिए। अभी CTET का पेपर में दिया था, पेपर दे के आया, फिर पता चला कि पेपर लीक हो गया करके। मैं इतना मेहनत करके गया हूँ, मेहनत करके पेपर दिला रहा हूँ, और सामने वाला पेपर लीक कर लिया, पैसा दे के किसी माध्यम से पास हो गया, तो मेरे मेहनत का मतलब क्या रह गया जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ? जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सुधार करना चाहिए, कठोर कानून बनाना ही चाहिए, और देरी हो गया, बहुत जल्दी बन जाना चाहिए था। अच्छी बात है अगर सरकार बोल रही कि इसमें कानून बनाएंगे तो। जी, भूपेश बघेल का पिछला कार्यकाल कैसे देखते हैं? बहुत ठीक था, मतलब एकदम तो अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छा था, ठीक था। अच्छा था जी। अभी भूपेश बघेल हमारे क्षेत्र में भी खड़े हैं ना, तो अच्छा है, उनको एक बार मौका देना चाहिए, संतोष पांडे जी को भी मौका दिए थे तो ठीक काम किए, लेकिन मैं जितना चाह रहा था उतना हो नहीं पाया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो करना चाहिए था नहीं किए हैं। भूपेश बघेल जी को अपन सांसद बना के अगर लोकसभा में भेजेंगे तो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि अच्छे से करेंगे, साथ में छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि वे पूरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अच्छा अनुभव है शासन प्रशासन का, तो अच्छे से बात को समझ सकते हैं, और हमारे क्षेत्र का जो समस्या है, जो दिक्कत है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर रख सकते हैं। जी, पूर्व CM है, दमदार नेता माने जाते हैं, किसान नेता माने जाते हैं, और भाई लोग से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? शिवम चौबे। शिवम चौबे, तो युवाओं का मुद्दा क्या होना चाहिए? युवाओं का मुद्दा मेन ये होना चाहिए, जो हमारे भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता है उसको दूर करें सबसे पहले शासन, तो और जो ये निःशुल्क वाला है छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण लोग फॉर्म तो भर दे रहे हैं लेकिन वहाँ अटेंडेंस है 50%, 10%, 12%, जो कि ठीक नहीं है, तो उसको फिर से चालू कर दे, वो ज़्यादा अच्छा है।
मतलब ना कि फ्री, हाँ शुल्क होना चाहिए। निशुल्क में क्या क्या घाटा? निशुल्क में घाटा ये है कि लोग फॉर्म भर दे रहे हैं लेकिन देने नहीं जा रहे हैं। अभी देखिए आप हॉस्टल वार्डन का 7 लाख से ज्यादा भरा है, लेकिन आप देखिएगा उसमें अटेंडेंस कितना होगा, उसमें है 300 पोस्ट, उसमें आप देखिएगा उसमें 40% से भी कम जाएंगे, तो ये सब ठीक नहीं है, उससे सरकार का भी लॉस होता है। तो ये ठीक नहीं है, पहले तो छत्तीसगढ़ में था, अब तो पूरा देश में होगा। तो और ये जो भर्ती प्रक्रियाएं रुक जाती है कोर्ट के माध्यम से, इसको भी जल्द से जल्द दूर किया जाए। क्या लगता है कि पार्टियों का मुद्दा क्या होना चाहिए? 75 साल हो गया, राजनांदगांव में मुझे नहीं समझ आता क्या मुद्दा है। यहाँ के जो पिछले सांसद थे वो युवाओं के बीच प्रकट नहीं हुए कभी भी, 5 साल में कभी आए नहीं, मुँह नहीं दिखाया। भूपेश बघेल अपने 5 साल में राजनांदगांव में मुँह नहीं दिखाए हैं, तो हमको नहीं समझ आता है यहाँ क्या मुद्दा है। हम दोनों से रुष्ट हैं, अब क्या देख के दिया जाए वोट ये भी नहीं पता है, क्योंकि आके बताते नहीं हैं। यहाँ क्या, यहाँ लाइब्रेरी का था वो लगभग 10 साल से अटका हुआ है, आपके गौरव पथ में स्टडी जोन बन रहा था 10 साल से, 10 साल से उससे पहले से लटका हुआ है। वो निकल गया था 5 साल, इससे पिछले 5 साल में राजनांदगांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, चाहे सांसद की तरफ से हो चाहे भूपेश बघेल की तरफ से हो। जी जी, अभी क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम CGPSC कर रहे हैं, CGPSC की। तो जो साय सरकार है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने कहा है कि CGPSC को UPSC के तर्ज पे करेंगे, तो ये उनके वादे अच्छे नहीं, तो CGPSC को UPSC के तर्ज में करेंगे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? उनके वादे अच्छे हैं, लेकिन अभी का जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसको अगर आप देखें तो उसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे गलत बचकाना हरकत था वो, कि ऐसे बचकाने क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन को गलत लिया जा रहा है। अगर आपको पेपर सेट करने ही नहीं आता तो आप ऐसे अधिकारी बैठा ले क्यों? तो बोलना एक वादा करना सही है, लेकिन उसको नियमित रूप से उसका पालन करना वो भी होना चाहिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के युवा जिन्होंने अपनी बात खुलकर कही है, बेरोजगारी को लेकर कहा है, पेपर लीक को लेकर कहा है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के मामले में जो है वो कठोर से कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या है देश की स्थिति, सभी बात कही। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।